दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ में मल्टीप्लाई करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय पर एक सेकंड में भी मल्टीप्लाई कर सकेंगे किसी दो डिजिट का। ठीक है, दो डिजिट का मल्टीप्लाई आप दो सेकंड से भी कम समय में कर लेंगे। जैसा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ तो आता ही है, तो मैथ में मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय पर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसके माध्यम से आप हमारे जीएस वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताऊंगा, दो डिजिट का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक एक सेकंड से भी कम समय में। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे पहले इस ट्रिक का ये है कि इसके लास्ट डिजिट में 5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में क्या है 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए 15 का स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो जैसे मान लीजिए 15 × 15 लिख देंगे इसको, 15 के स्क्वायर को 15 × 15 लिख सकते हैं, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25। 5 का 5 से मल्टीप्लाई तो हो गया 25। अब देखिए इस एक का मल्टीप्लाई करेंगे इस एक के साथ, लेकिन इस एक में एक जोड़ देंगे, इस एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 2 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। इसे पहले देखिए, जैसे 25 का अगर स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर को निकालने के लिए देखिए 5 का कितना होता है स्क्वायर, 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इस 2 में इसे 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 25 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 का × 5 कितना होगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 25 होगा। ठीक है, 5 × 5 25 होगा। अब इस 2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 3। अब 3 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, अब देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 35 के स्क्वायर को 35 × 35 लिख सकते हैं, 35 के स्क्वायर को 35 × 35 लिख सकते हैं, तो देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 25 होगा, तो 25 लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक संख्या में ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ते हैं तो हो गया 3×1 4। अब 4 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12, यानी कि 1225 हो जाएगा 35 का स्क्वायर। अब मान लीजिए निकालना है 45 का स्क्वायर, ठीक है, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 45 × 45 लिख सकते हैं इसको, 45 के स्क्वायर को 45 × 45 लिख सकते हैं, तो 5 × 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। अब इस 4 में जोड़ दिए 1 तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, और 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 होता है 20, तो हो गया 2025, यानी कि 2025 हो गया 45 का स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको निकालना है 55 का स्क्वायर, ठीक है, 55 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 55 × 55, ठीक है, अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 × 25 25 होता है, और यहाँ पर जोड़ दिए 1 तो हो गया 6, 5 × 1 6, और 6 में 5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 30, तो जाएगा आपको 30 और 25, यानी कि 3025 हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए निकालना है आपको 65 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 65 × 65, तो हो गया आपका 5 से 5 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 25, 5 का 5 से गुणा तो हो गया 25, और यहाँ पर जोड़ दिए 1 तो हो गया, यहाँ पर हो गया 7 और 7 × 6 42, यानी कि 4225 हो गया 65 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे कोई भी संख्या हो जिसमें लास्ट में 5 हो, 95 मान लीजिए, 95 का स्क्वायर, ठीक है, 95 का स्क्वायर तो जाएगा 95 × 95, ठीक है, 95 × 95, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई तो 25 हो गया, और यहाँ पर जोड़ दिए 1 तो हो गया ये 10 हो गया, और 10 × 9 90, यानी कि 9025 हो गया 95 का स्क्वायर। अब मान लीजिए आप निकालना है 85 का स्क्वायर, ठीक है, तो 85 के स्क्वायर को 85 × 85 लिख सकते हैं, ठीक, तो 5 के जब 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25, और यहाँ पर जोड़ दिए 1 ऊपर में तो हो गया ये 9 हो गया, और 9 × 8 होता है 9 × 8 72, तो हो गया 7225। 75 का स्क्वायर,
तो 75 × 75 तो 5 × 5 = 25 होता है, और यहाँ पर जोड़ दिए 1 तो हो गया 8, और 8 × 7 होता है 56, 8 × 7 = 56 यानी कि 5,625 तो हो गया 75 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है और इसको अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप 1 सेकेंड में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।